मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं फिल्मी बेट। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म दंगल के ट्रेलर ने रिलीज होते ही कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। इस ट्रेलर को अब तक यूट्यूब पर करीब 2,75,00,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है और खुद बॉलीवुड भी आमिर की फिल्म दंगल के इस ट्रेलर की तारीफ करते नहीं थक रहा है। पर आमिर के दंगल के ट्रेलर को देखकर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रेलर के कई सीन सलमान की फिल्म सुल्तान से मिलते जुलते हैं। इसी को लेकर जब आमिर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन इन सब के बीच अब खबर ये आई है कि सलमान खान ने आमिर की फिल्म दंगल को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। खबर है कि सलमान खान ने दंगल का ट्रेलर तब देखा जब वो मनाली में उनकी फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग कर रहे थे। तब सलमान को लगा कि फिल्म में स्कूटर वाला सीन और स्वेटर वाला सीन सुल्तान से काफी मिलता जुलता है। अगर आपको याद ना हो तो हम आपको याद दिला दें कि बहुत पहले खबरें आई थी कि सुल्तान का ट्रेलर देखने के बाद आमिर खान काफी डर गए थे क्योंकि दोनों में काफी समानताएं थीं। बताया ये भी गया था कि आमिर ने दंगल के ट्रेलर में कुछ बदलाव भी किए थे ताकि दोनों में अंतर बनाया जा सके। जब यही सवाल सलमान से पूछा गया तो सलमान ने कहा, आमिर को डरने की जरूरत क्या है, उनके पास दंगल है। मैंने दंगल की स्क्रिप्ट पढ़ी है, बहुत अच्छी है, बल्कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं दोनों फिल्में करता, पहले सुल्तान फिर सुल्तान का दंगल। तो ये था सलमान का रिएक्शन दंगल का ट्रेलर देखने के बाद। चलते चलते आपको बता दें ये फिल्म रिलीज होगी 23 दिसंबर को। फिल्हाल इसी खबर के साथ फिल्मी बीट में बस इतना ही।